पटचरा श्रीवस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर अवस्था आने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्यार में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह अपने नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद जब पटचरा गर्भवती हो गई और स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा, तो उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पटचरा को उसके मायके भेजना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पटचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानी भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में पटचरा उसे मिल गई। पति पटचरा को समझा बुझा कर घर वापस ले आता है। समय आने पर पटचरा को प्रसव होता है और वह एक लड़के को जन्म देती है। इसके बाद पटचरा अपने बच्चे और पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। कुछ सालों बाद जब पटचरा दूसरी बार गर्भवती हुई, तब उसका पति स्वयं उसे उसके मायके ले जाने के लिए राजी हो गया। जब पटचरा अपने बच्चे और पति के साथ अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में जोरों की आंधी और वर्षा होने लगी। पटचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषैले सांप ने काट दिया और तत्काल वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पटचरा अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया और उसने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपने पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आँखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह गिद्ध उस बच्चे को उठा ले गया। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि उसकी माँ किसी संकट में है और उसे बुला रही है, और वह बिना कुछ सोचे समझे ही झटपट पानी में उतर गया। पर क्योंकि पानी धार बड़ी तेज थी, इसलिए वह पानी में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उड़ा ले गया, बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह विलाप करती हुई और रोती बिलखती अपने पिता के घर की ओर बढ़ चली। लेकिन रास्ते में तभी उसे एक नगर का यात्री मिलता है, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सुनते ही पटचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सूचना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख पर बस यही शब्द रहते थे, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पटचरा को सभी अपमानित करते और यहाँ से वहाँ दाग कर भगा देते। उन्हीं दिनों जेतवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। एक दिन भगवान बुद्ध जेतवन में धर्मोपदेश दे रहे थे। पटचरा अनायास ही वहाँ उस दिन पहुँच गई। उपस्थित लोगों ने कहा, अरे यह तो पागल है, इस स्त्री को तो यह भी नहीं पता कि इसने कुछ पहन नहीं रखा, अरे भगाओ इस पागल और नग्न स्त्री को यहाँ से। बुद्ध ने उन सबको रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। पटचरा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान बुद्ध को अपने समक्ष पाकर पटचरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। तभी वहाँ उपस्थित लोगों में से एक ने उसे चादर से ढक दिया और पटचरा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे मेरे बच्चे मेरे आँखों के सामने ही मारे गए। मेरे माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पटचरा का दुख कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पटचरा का दुख धीरे धीरे जाता रहा। वह रोज ध्यान की साधना करने लगी और धीरे धीरे वह ध्यान की साधना में बहुत निपुण हो गई।
एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पटचारा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपनी आधी आयु पूर्ण करते ही चले जाते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपना पूरा जीवन जीकर मरते हैं, लेकिन मरते सभी हैं, अमर कोई भी नहीं है, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पटचारा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटचरे, समस्त प्राणी मरण धर्मा है, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, एक दिन मैं भी अपना शरीर त्यागूंगा और एक दिन तू भी। इस प्रकार पटचारा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको बिना ज़्यादा प्रयास के ही एक ही जीवन काल में निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई।